तगड़ा एक्शन। आइए एसआईपी की बात निकले तो एसआईपी समझ भी ली जाए, ले भी ली जाए। हमारे साथ सिद्धार्थ सेजानी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, अजय बग्गा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, दोनों का ही स्वागत है। पहले बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सिद्ध की टिप। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर इस हफ्ते की थीम और क्यों पसंद किया आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सभी को। आज की जो थीम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ऐसी थीम जो साइजेबल मिड कैप से लार्ज कैप कौन सी कंपनियां बन सकती है वो थीम है, और इसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरत ध्यान देने की है वो है एंट्री बैरियर बिजनेस की। तो थीम का नाम ही एंट्री बैरियर है, मतलब वो बिजनेस जो अपने अपने सेक्टर में अपने जगह पे बहुत डोमिनेंट है, बट उन बिजनेसेस में एंटर करना दूसरे प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रप्शन जो होते हैं आज इंडस्ट्री में, जो स्टार्टअप्स ले आते हैं वो इंडस्ट्री में, वो काम में स्टार्टअप के डिस्ट्रप्शन होने के बहुत बहुत कम चांसेस है। बिजनेसेस जिनके स्ट्रांग ट्रिगर्स है, ग्रोथ है और फास्टर पेस में ग्रो हो सकते हैं, वो साइजेबल मिड कैप जो लार्ज कैप बन सकते हैं, बट उस बिजनेस में एंट्री बैरियर बहुत स्ट्रांग है। तो आज का जो थीम है एंट्री बैरियर का, ओके एंट्री बैरियर, यानी कि ये कंपनियां वो कारोबार करती है जहां पर किसी के लिए भी घुसना अंदर मुश्किल काम है। लेकिन सिद्धार्थ जी घुस चुके हैं पूरी तरह से इन कंपनियों की बैलेंस शीट में, इन कंपनियों के फंडामेंटल्स में और लेकर आए हैं आपके लिए बेहतरीन रिसर्च। तो सिद्धार्थ जी बताइए किन किन शेयरों में आपने की है घुसपैठ और रिकमेंडेशन लिस्ट, टारगेट परसेंटेज एलोकेशन, पूरा पोर्टफोलियो बना दीजिए जरा। बिल्कुल सर, यही तो है एक्सक्लूसिविटी इस बिजनेस का, ये सिर्फ जो पोर्टफोलियो बन के आती है। पहला स्टॉक एंट्री बैरियर में रहेगा, आपने जैसे सुबह ही शुरुआत की आई लेटर, आजकल आज बहुत चल रहा है, तो पहला स्टॉक है आईआरटीटीसी। आईआरटीटीसी मैंने पहले तो रेकमेंड 2200 रुपए से किया है, आज फिर रेकमेंड कर रहा हूँ, टारगेट होगा 3600 रुपए का, 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। मिनी रत्न कंपनी, और इसका जो एंट्री बैरियर है एक्सक्लूसिविटी, इनका टाइप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है मिनी रत्न है, और ये यहाँ पे घुसना नामुमकिन है। मोनोपोली बिजनेस, टिकटिंग, बॉटलिंग, ट्रैवल एंड टूरिज्म, और सबसे अच्छी चीज डेट फ्री कंपनी है और हेल्दी रिटर्न रेशियो है, बहुत बेहतरीन कंपनी। दूसरी कंपनी होगी एंट्री बैरियर से वो है रेडिको खेतान, लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ IMFL है, इंडियन मेड फॉरन लिकर, अल्कोहलिक बेवरेजेस सेगमेंट है। इसमें ये बिजनेस में ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल है। IMFL का 80% रेवेन्यू है इनका, नियरली डेट फ्री है, रिटर्न रेशियो 20% के करीब, टारगेट होगा 1009 का, 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए। उसे तीसरी कंपनी होगी एंट्री बैरियर में वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जिसका टारगेट होगा 2910, 20 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। निश टायर बिजनेस है, ऑफ रोड टायर, ट्रैक्टर्स के, हैवी मशीन के, उनके जो बड़े बड़े टायर्स होते हैं ये कंपनी बनाती है। ये इसकी कैपेबिलिटीज बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद आती है जो बालकृष्ण के पास है, इसमें घुस पाना नामुमकिन है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से 20% का कंसिस्टेंट मार्जिन, साथ ही साथ 27% का अर्निंग ग्रोथ की उम्मीद, 80% को एक्सपोर्ट करती है, भारत का सर गर्व से ऊंचा करती है बालकृष्ण इंडस्ट्री। चौथी कंपनी होगी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, अभी हाल में पिछले हफ्ते भी कह चुका हूँ, 535 का टारगेट, 20 रुपए लगाना है 100 रुपए में से। ओनली सिर्फ एक ही एकमात्र एनर्जी एक्सचेंज भारत का, और यूनिक बिजनेस मॉडल है, इसमें घुस पाना बहुत ही मुश्किल। क्लीन बैलेंस शीट, मार्केट शेयर इनका 95%, ओनली बिजनेस, ब्राइट फ्यूचर और बहुत ही बेहतरीन इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये चारों कंपनी मैंने जो एनर्जी चुनी है वो एंट्री बैरियर के हिसाब से इसीलिए सूटेबल है क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा है। हालांकि और भी कंपनियां हो सकती है जहां पे एंट्री बैरियर बहुत मुश्किल हो, बट ये ग्रोथ के पैरामीटर से मैंने इन चार कंपनी को चुनी है एंट्री बैरियर। एंट्री बैरियर यानी कि आसानी से कोई इनके बिजनेस में घुस ना पाए, प्लस ग्रोथ भी आए दोनों। IEX, ये तो आप मतलब कभी से रिकमेंड कर रहे हैं, आप थकते नहीं है, मतलब ऐसा नहीं लगता आपको कि भाई एक ही स्टॉक को बार बार रिकमेंड कर करके, अब जब रिकमेंड करते हैं फिर ऊपर भागता है, फिर ऊपर रिकमेंड करते हैं फिर भागता है, तो ऐसे थकावट महसूस नहीं होती आपको सिद्धार्थ जी?
दीपक नाइट्राइट 200-300 रुपए से 2000। अनिल जी ऐसा है, कनेक्शन तो पैसा बना के देता है और वहां से तो आते हैं मल्टीबैगर। ऐसे ही कन्विक्शन आपका कुणाल जी राकेश जी का एक और स्टॉक में इज माई ट्रिप, आपने कई बार रिकमेंड किया, मेरे ख्याल से 450 रुपए के आसपास की आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट थी कुणाल जी राकेश जी का, आज फिर से पिक ऑफ द डे था। स्टॉक जबरदस्त एक्शन में, आज फिर से 3%। जरा एक बार इसमें भी जाने से पहले अपडेट दें सिद्धार्थ जी। 550 का टारगेट है अनिल जी इज माई ट्रिप पे, बहुत ही बेहतरीन कंपनी, डेट फ्री कंपनी ये भी है और 7000 के करीब इनका जो ट्रैवल एजेंट वगैरह है, ऑनलाइन में स्ट्रांग प्रेजेंस, बड़े बड़े टाइप जस्ट डायल के साथ भी टाइप किया है। अनिल जी इज माई ट्रिप तो इसीलिए धमाल करेगा क्योंकि सब लोग रिवेंज ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं घूम आए, कहीं ना कहीं घूम आते हैं और इज माई ट्रिप ही सबसे बड़ा फायदेमंद रहेगा इस प्रोसेस। ओके, तो ये है आपके लिए इज माई ट्रिप पर राय सिद्धार्थ जी की तरफ से 550 का टारगेट। आइए 10 की कमाई की करते हैं शुरुआत और सीधे मुलाकात करेंगे बग्गा साहब से 10 की कमाई।